गर्मी के मौसम में अक्सर आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस दौरान जान माल का भी बड़ा नुकसान होता है और इसीलिए अग्निशमन विभाग एक पहल कर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर चुका है। मुरादनगर के मोदी नगर में अग्निशमन सुरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शरीक हुए हैं बल्कि करीब 250 स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर गाजियाबाद के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रशिक्षण लेने के बाद ग्रामीणों और छात्रों को सम्मान भी किया। एक योजना बनी है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के, उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 100 युवा अग्निशमन के बारे में जाने, अग्निशमन की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर कुछ वारदात होती है तो उसके अंदर मदद कर सके। क्योंकि अग्निशमन अधिकारी बहुत ज़्यादा नहीं होते और जब तक वो पहुँचते तब तक आग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर सचेतक होंगे तो और उनकी ट्रेनिंग हुई होगी तो वो मदद करें उसको देखते हुए। और आज जो है हमने मुरादनगर और मुरादनगर में 124 बच्चों ने ट्रेनिंग ली है और 103 बच्चों ने भोजपुर में ली है, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल। एक बहुत अच्छी योजना है, जैसे जैसे अलग अलग ब्लॉक्स में फैलेगी हमारे पास एक पूल बनेगा जो कि आग के ऊपर शुरू के अंदर ही काबू पा ले। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये इनका प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव से इनका चयन किया गया, जिसमें महिलाओं को दोनों को रखा गया और उनको 3 दिन का ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया है। इनको कैसे गांव में उपलब्ध संसाधनों से आग पर प्रभावी नियंत्रण पाने, उसकी रोकथाम करने के लिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। जैसे गैस सिलेंडर की आग घबराने से हो जाती है, तत्काल एक घोरा या कोई मोटा चद्दर से भिगो करके बुझाने की तकनीक, या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में विस्तार पूर्वक इनको 3 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया? ये भोजपुर ब्लॉक में 103 बच्चे हैं और मुरादनगर में 124 बच्चे, कुल 227 बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसका आज माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह साहब द्वारा इनको अग्नि सचेतक का प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको और प्रेरित करने के लिए अपना उद्बोधन संबोधन दिया गया है। और ये कार्यवाही लोनी ब्लॉक और राजापुर ब्लॉक में भी, लोनी में कल से प्रारंभ हो गई है और राजापुर ब्लॉक में भी प्रारंभ हो रही है और सभी प्रथम चरण में सभी ये ब्लॉकों में प्रशिक्षण देने के बाद हम नगर पंचायत नगर पालिकाओं में भी इस तरह जो है चिन्हित करके और नगर निगम में भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्नि सचेतक का दिया जाएगा और उनके सहयोग से ये स्थानीय स्तर पर ही अग्नि दुर्घटना घटित होते ही उनका सहयोग